हमने अपने लास्ट लेसन के अंदर जो चीजें डिस्कस की थी उसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ये तमाम बातें जो थी वो डिस्कस कर ली। तो वी नाउ हैव एन आइडिया कि हमारे पास ग्राफ्स जो होते हैं उनसे हम इवैल्यूएशन, उनसे हम एनालिसिस कैसे करते हैं। ग्राफ के ग्रेडियंट से हमें पता चला था कि पोटेंशियल के ग्राफ के ग्रेडियंट से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मिलती है। और फिर हमने देखा था कि भाई वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है मतलब पोटेंशियल उतना लूज हुआ है, जितनी कम नेगेटिव होगी मतलब मैग्नीट्यूड में जितनी छोटी होगी उसका मतलब उतना ज्यादा पोटेंशियल उसके अंदर भी मौजूद है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट सी तक हमने कहा तो फेंकना है तो हमें उसको बी पॉइंट से क्रॉस करवाना होता है, पॉइंट बी तक पोटेंशियल बढ़ता है उसका और पॉइंट सी तक जाते जाते पोटेंशियल दोबारा कम होता है। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो थे कल की क्लास के अंदर मुकम्मल कर लिए थे। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ये तमाम बातें हमारी हो चुकी हैं। आज जरा थोड़ा सा सैटेलाइट्स के ऊपर, कैपलर्स लॉ के ऊपर, इन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। So we're going to talk about the orbital motion over here now. ठीक है, ऑफ सैटेलाइट्स और एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कल अराउंड अनदर बॉडी। तो इफ दिस इज फॉर एग्जांपल आवर अर्थ एंड वी हैव अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो इफ आई ड्रॉ अ सैटेलाइट ओवर हियर, so the satellite must be moving in a circular orbit about this point, about the center of the earth. Ye uski direction of rotation hai, obviously is tarah se satellite ghum rahi hogi, and the satellite would have a certain tangential velocity. So kyunki lazmi baat hai, if it's moving in this direction to uski velocity to honi honi hai. See, so we have a certain tangential velocity with which it's moving, and definitely the object will have a certain radius of the orbit. See, this is the radius of the orbit. I can call it R. And similarly, there would be an omega. See, the angular velocity with which the satellite is moving in a circular track. Angular velocity hogi na aapke satellite ki. So when this thing is happening, so I can say one thing that the satellite, when it is in a circular orbit, is definitely experiencing a force. See? In the orbit, and that force is a centripetal force. There is a centripetal force which is acting on the satellite, and a centrifugal force which is trying to move the satellite out. So let's just say, to counter that centrifugal force, the gravitational force of the planet is acting as a centripetal one. सही, ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने के लिए अर्थ की तरफ से आने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल है सैटेलाइट के ऊपर, दैट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, बिकॉज दिस वन इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग आउटवर्ड्स, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट। तो इन अ सर्कुलर ऑर्बिट
the gravitational force acts as a centripetal force. See, so to solve questions of any orbiting body about a satellite, orbiting body, yaad rakhna, ye zaruri nahi hai ki object kareeb aa raha ho ya door aa raha ho. ये उस वक्त अप्लाई होंगे जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक अदर प्लैनेट को सर्कुलर उसमें ट्रैक में ऑर्बिट कर रहा है, ये ऑर्बिट के लिहाज से. तो उसमें आप कह सकते हो कि विद द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स द सेंट्रीपेटल फोर्स. सही. और यहां से फिर आप जितना चाहो उसको एक्सपैंड करो, मतलब ये आप ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम ओवर आर स्क्वायर को जिससे चाहो इक्वेट कर सकते हो. आपके पास सेंट्रिपेटल फोर्स से मुख्तलिफ फॉर्मूले है ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर आप इससे इक्वेट कर सकते हो. अब जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर को एम आर ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हो. सही. इवन एम वी ओमेगा से भी कर सकते हो, लेकिन एम वी ओमेगा मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि इट्स सेल्डम मतलब यूजफुल. उसमें वी और ओमेगा दोनों ही एक तरह से अननोन क्वांटिटीज है ना, तो वो आपके फॉर्मूला इतना काम नहीं आता. आप एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर के थ्रू इसकी वर्किंग करते हो, उसको सॉल्व कर देते हो, बड़ा आसानी सॉल्व हो जाता है आपसे. मतलब यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एज अदर देन दिस थिंग. इन दो फॉर्मूले के अलावा आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती. तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूले बन जाते हैं जिसमें स्मॉल एम इज बेसिकली द मास ऑफ योर लाइक सैटेलाइट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, आपके पास r सेपरेशन है उन दोनों के दरमियान में. सही. बाकी आपको पता है v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है सैटेलाइट की, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है सैटेलाइट की. आप उसको डिटरमिन कर सकते हो. अब यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, derive a formula in order to relate the time taken for our satellite to move around the circle in an orbit. So that formula is basically, actually it's a law, it's not just a formula, it's a law, it's called Kepler's law. Kepler's law helps us in relating the time taken for our satellite to move in a circular orbit with the radius of that orbit. See, as well. It actually relates time period of an orbit with the radius of orbit. So, मैं इसकी स्टेटमेंट बाद में लिखूंगा, लेकिन पहले मैं इसको डिराइव करवाऊंगा. कॉन्सेप्ट Kepler's law को डिराइव करते हुए भी इसी तरह शुरू होता है कि जब कोई भी सैटेलाइट आपके सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही होती है तो उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट एक्ट्स एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स. तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स से इक्वेट कर देते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जी एम m over r square, centripetal force mein use karunga yahan pe mr omega square. Now the reason I'm going to use mr omega square is because I want to have a time period. Time period ko main omega ke formula se la sakta. The radius to khair aa raha hai to radius ki to waise bhi tension hai nahi. To yahan pe mass of the satellite remove ho gaya, ye r denominator mein aa jayega ek aur, to ye r cube ho jayega. और ये ओमेगा स्क्वायर. मैं क्या करता हूं, मैं ओमेगा को लिखता हूं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. लिखा ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें और मजीद, तो जी एम ओवर आर क्यूब इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है, वी रीअरेंज द इक्वेशन, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर क्यू.
टी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले गया मैं, आर स्क्वायर को राइट साइड पे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा, बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स मैंने एक तरफ लिख दिए। तो इसमें ये पूरी चीज जो है ना बेटा, दिस एंटायर थिंग, ये सब कुछ कॉन्स्टेंट है, इट्स ऑल कॉन्स्टेंट। तो हम ये कहते हैं कि एज 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इज कॉन्स्टेंट, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। ये कैपलर्स लॉ है। तो वैसे तो यहां पे आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ये फॉर्मूला आपका डराइव हो गया जो कैपलर्स लॉ का, टी स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम अपॉन आर क्यूब, सही, इट्स डन। लेकिन अगर आप कैपलर्स लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे, वो लॉ क्या कहता है, तो लॉ ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, क्यूब ऑफ द रेडियस। कैपलर्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो यही है। For a circular orbit, the square of the time period is directly proportional to the radius, to the cube of the radius. Of orbit. ये आपके पास कैपलर्स लॉ है। और यहीं से हमारे पास जो मजीद और कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके, वो सामने आते हैं कि हम जब कैपलर्स लॉ डिराइव कर लेते हैं तो हम एक किस्म का कह लो कि सैटेलाइट पे हम बात करते हैं यहाँ पे, जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। जियो स्टेशनरी इसको कहने का मकसद हमारा असल में ये होता है कि वो जियोग्राफिकली स्टेशनरी फील होती है। जियोग्राफिकली स्टेशनरी से मतलब ये है कि वो आपके हमेशा आपको सर पे नजर आएगी, मतलब इट विल अपीयर टू बी स्टेशनरी एट अ सर्टेन पॉइंट, इट वोंट बी लाइक मूविंग एनीवेयर, मूव करती हुई फील नहीं हो रही होगी आपको, वो अपनी ही जगह पे एक जगह पे ठहरी हुई होगी, दैट्स इट। वो इस वजह से ठहरी हुई नजर आती है क्योंकि जिस एंगुलर वेलोसिटी से आपका अर्थ घूमता है ना, उसी एंगुलर वेलोसिटी से आपकी वो सैटेलाइट घूम रही होती है, और उसी डायरेक्शन में घूम रही होती है जिस डायरेक्शन में आपकी अर्थ रोटेट कर रही होती है। एंटी क्लॉकवाइज घूमती है हमारी अर्थ, तो हमारी वो सैटेलाइट भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है, और उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही होती है जिस एंगुलर वेलोसिटी से हमारे पास जो है वो एक हमारी अर्थ घूम रही है। तो वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उसी के साथ साथ चल रही है, हालांकि लीनियर वेलोसिटी में फर्क होता है क्योंकि लीनियर वेलोसिटी में आर भी डिपेंडेंट आ जाती है, मतलब वी इक्वल्स आर ओमेगा आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो लीनियर वेलोसिटी पे रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज ऑल्सो मैटर, लेकिन ओमेगा उस दोनों का सेम होता है, जितना एंगल आपका अर्थ कवर करता है एक सेकंड में उतना एंगल और सैटेलाइट कवर कर लेती है, इट अपीयर्स एज इफ इट्स राइट अबव द सेम पॉइंट ऑन द प्लैनेट। तो ऐसी सैटेलाइट को आप जियो स्टेशनरी बोलते हैं। मैं डिस्क्राइब कर देता हूं यहाँ पे, so the satellites that have the same angular velocity
as that of the planet. And I'm moving in the same direction. As the planet rotates. See, वैसे तो हमारे पास अर्थ के लिहाज से बनी हुई होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, तो जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में ये भी रोटेट कर रही होती है, और उसी एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट कर रही होती है जिस एंगुलर वेलोसिटी पे हमारा अर्थ रोटेट कर रहा होता है. Kind of like moving in the same exact orbit. See, no difference over there at all. तो अब तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में हम ये कह सकते हैं कि भाई द टाइम पीरियड, व्हिच इज टू से दैट द टाइम टेकन फॉर अर्थ टू रिवॉल्व और लेट्स से टू रोटेट सही अबाउट इट्स एक्सेस इज इक्वल टू द टाइम टेकन for the satellite to revolve around the planet. तभी तो वो उसके साथ साथ चलेगी. ठीक है ना, तो अगर टाइम पीरियड आपके पास सेम है तो हमारे पास जो Kepler's law था, हम t square equals 4 pi square upon gm r cube करते हैं, और टाइम पीरियड के अंदर अर्थ के लिए हम अर्थ के एक दफा रोटेशन का टाइम पीरियड डाल देते हैं. तो अर्थ के एक दफा रोटेशन के टाइम पीरियड में टेक्स 24 आवर्स फॉर अर्थ टू एग्जैक्टली रिवॉल्व रोटेट. तो यहाँ पे 24 इंटू लाइक 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm. g की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11, और मास अर्थ का 5.99 है. मैं अभी 6 ले रहा हूँ, 6 एक्सपोनेंट 24. यहां से हम अर्थ का जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि हाउ अबव द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ अबव द सेंटर ऑफ द अर्थ आर यू गोइंग टू हैव दिस ऑर्बिट. So this becomes 24 into 60 into 60 ka square multiplied by 6.67 exponent 11 into 6 exponent 24 divided by 4 pi square taking cube root of that it's turned out to be 4.23 exponent 7 meters. This is the geostationary orbit. Matlab you, if you send a satellite at 4.23 exponent 7 meters from the center of the planet, the satellite on the Earth is going to be in the geostationary orbit. And one more thing that you need to mention over here, it's an equatorial orbit. Missed it out over here. It's no other orbit, it's an equatorial orbit. Equatorial orbit ka matlab ye hai ke if this is the Earth, let me copy it. सही, ये इक्वेटर पे बना हुआ होता है ऑर्बिट, द इक्वेटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑर्बिट किसी और उस पर नहीं बना सकते हो. द सैटेलाइट वट एवर यू हैव ओवर हियर, इफ इट्स अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट it must be moving in this orbit. And not just one satellite, you have like
hundreds of satellites over here, which are in the geostationary orbit. And they never ever like collide with one another. The reason being that they're all traveling in the same direction with the same speed all the time. They're moving in the same direction at the same speed all the time. They don't even collide with one another. They don't need to collide with one another. So the distance from the center to that point is actually equal to 4.27 × 4.23 × 7 meters. And from the surface of the earth, agar aapse koi puchta hai, distance of orbit from surface of earth, to uske liye aap ye kar sakte hain, jo ye distance hai 4.23 × 7, usme se earth ka radius nikal dijiye 6.4 × 6 meters. तो ये हो जाएगा 3.59 × 7 meters. ये है डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. इट्स बेसिकली अ क्वेश्चन. एग्जामिनर से पूछ सकता है कि भाई आप डिटरमिन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए. और नॉट ओनली जस्ट फॉर एन अर्थ, हो सकता है किसी और प्लैनेट के लिए भी जो स्टेशनरी ऑर्बिट कैलकुलेट करवा सकता है, डिपेंडिंग के आपका जो प्लैनेट है उसका मास क्या है, उसका जी की वैल्यू क्या है. वो जी की वैल्यू तो खैर सेम रहेगी, उसका मास क्या है, उसके हिसाब से उसका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट डिटरमिन कर सकते हो. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. तो ये हमारे पास जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है. तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज एन इक्वेटोरियल ऑर्बिट इन विच द प्लैनेट और सॉरी द सैटेलाइट विल हैव द एग्जैक्ट सेम वेलोसिटी, सही है, विच एंगुलर वेलोसिटी विच इज दैट ऑफ द प्लैनेट, एंड दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द प्लैनेट. देयर इज नो डिफरेंस इन दैट. एंड देन यू हैव दोस पोलर सैटेलाइट्स. इट्स अ बिट डिफरेंट. द पोलर सैटेलाइट्स हैव एन एंगुलर वेलोसिटी, शुड आई से इवन अ लीनियर वेलोसिटी, which is way more than that of the earth, because they are the ones we have who have to travel from poles to poles. Pura pole se pole chakkar lagate hain and they're moving really fast. Wo kafi tez chal rahe hote hain. So they are in a lower orbital regions, matlab ye equatorial orbit jitne dur nahi hote, ye planet ke thoda nazdeek hote hain, close travel karte hain aur kafi tezi se travel karte hain sir orbit to orbit chakkar lagane ke liye. Unka asal mein kaam ye hota hai ki जो पूरी दुनिया के अंदर होने वाली कम्युनिकेशन है ना, उसके दरमियान में एक लिंक बनाए रखना. मतलब इफ यू वांट टू कॉल फ्रॉम पाकिस्तान ऑल द वे टू यूएसए, तो लाजिम बात है सैटेलाइट कम्युनिकेशन चल रही है ये. तो हर जगह की अपनी एक स्पेसिफिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, लेकिन क्योंकि इनके दरमियान में फासले काफी ज्यादा होते हैं, तो डायरेक्टली एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट का कम्युनिकेशन जियो स्टेशनरीज में नहीं हो पाती. तो हमारे पास जो पोलर सैटेलाइट होती है, जो यहाँ पे पोल से पोल ऑर्बिट करने का काम कर रही होती है, इस तरह से ऑर्बिटिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर, तो उन पोल्स के केसेस में वो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स को डायरेक्ट करने का काम करती है. तो उससे ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक सर्टेन टाइम डिले फील होता है. अगर आपको याद हो, कभी भी आप किसी से अगर बात करें तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, देयर इज अ बिट ऑफ अ लैग. लग रहा है कि हम जो बात बोल रहे हैं अगले वाले को थोड़ी देर में सुनाई दे रही है, वो जो बोल रहा है हमें थोड़ी देर में सुनाई दे रही है. यू नीड टू एडजस्ट योर पेस ऑफ टॉकिंग विद अदर पर्सन सो दैट यू हैव एन आइडिया कि हाँ ठीक है, उसको सुनने तो दो पहले मेरी बात उस तक पहुंचे सही, उसके बाद फिर वो अपनी कहानी गाता रहे. तो यहाँ पे द पोलर सैटेलाइट्स that have angular velocity greater than that of the planet
तो हमारे पास ये थोड़ा सा पोलर सैटेलाइट्स का मामला है। इनका कोई स्पेसिफिक वो फॉर्मूला या केस नहीं होता, वो तो लाजमी बात है जो आप रेडियस रखेंगे उसके हिसाब से पता कर सकते हैं उसका टाइम पीरियड। तो वी डन विद द आईडिया ऑफ जियोस्टेशन सैटेलाइट्स, वी डन विद द आईडिया ऑफ पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है। वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केपलर्स लॉ, वी हैव द ऑर्बिटल मोशन ओवर हियर डन। अब हम सैटेलाइट की, क्योंकि अब ये पूरा सैटेलाइट्स के ऊपर ही बेस्ड है, अब हम सैटेलाइट की एनर्जीज के ऊपर बात करते हैं, द काइनेटिक, द पोटेंशियल एंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग सैटेलाइट। अच्छा, वन थिंग आई थिंक इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट अ सैटेलाइट व्हेन इट्स मूविंग इन द ऑर्बिट, इट्स नॉट डूइंग एनी वर्क, इट डजंट नीड एनी फ्यूल। एक सैटेलाइट को आपको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। सो रीजन ये, इट्स नॉट डूइंग एनी वर्क एट ऑल, इट्स मूविंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशन पुल। और वर्क डन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसकी फोर्स जो उस पर लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, द डिस्प्लेसमेंट दैट इट्स परफॉर्मिंग, सही है, जो रोटेशन वो कर रहा है, वो इट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट्स नॉट डूइंग एनी वर्क एट ऑल। एंड एज अ रिजल्ट यू डोंट नीड फ्यूल फॉर अ सैटेलाइट, इसमें आपने सोलर पैनल्स लगा दिए होते हैं जो सन से आने वाली लाइट एनर्जी को यूज करके उसके सर्किट्स वगैरह को रन करने का काम कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट की, तो एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट में हमारे पास काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल, ये तीन एनर्जीज आती है। तो बारी बारी सारी एनर्जीज को डिटरमिन कर लेते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। देखिए, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यू हैव जस्ट वन सिंगल फॉर्मूला व्हिच एक्ट्स एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी सैटेलाइट, वेदर इट्स मूविंग इन एन ऑर्बिट और whether anything is over there. आपने जो gravitational potential energy का formula पहले पढ़ा था, वही formula use होता है यहाँ पे भी। क्योंकि अगर वो एक orbit में घूम रहा है, तो उसकी potential energy change नहीं हो रही होगी, क्योंकि ना वो planet के नजदीक आ रहा है, ना वो planet से दूर जा रहा है। It's moving at the exact same distance from the planet. The r is exactly the same. हाँ, अगर वो planet के करीब आना शुरू हो जाएगा, मिसाल के तौर पे किसी भी वजह से satellite में कोई fault आ गया, कोई stone टकरा गया, and the radius is the radius is now decreasing one way, तो क्या होगा कि अब potential energy कम होती चली जाएगी। और अगर किसी और direction में radius से satellite से कोई stone आके टकरा गया, कुछ हो गया, वो अपने orbit से बाहर निकल गया, तो अब ये है कि अब अगर दूर जा रहा है तो potential energy बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक आपका satellite एक orbit के अंदर घूमे जा रहा है, उस वक्त तक उसकी potential energy में कोई change नहीं आता। तो potential energy का वही formula है बेटा जो पहले हुआ करता था, माइनस जी एम एम ओवर आर, जो एक एवरेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पीछे से पढ़ते हुए आए। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वी नीड टू लाइक हैव अ मॉडिफिकेशन फॉर दैट। मसला ये काइनेटिक एनर्जी के लिए, अब अगर बंदा सोचे थोड़ा सा, तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला तो वो जानता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये वी जो है, ये वी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि खाली वेलोसिटी डिटरमिन करना खैर लंबे रास्ते तो आसान है, बट वी वांट टू हैव अ फॉर्मूला जो मुझे उस सैटेलाइट का मास और उसके डिस्टेंस के हिसाब से मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सके। तो वेलोसिटी की तरफ जाने के लिए मैंने आपको एक मिसाल दी थी शुरू में, कि हम जब भी कोई सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही होती है किसी प्लैनेट को, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेंट्रीपेटल ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रही होती है। सो इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन बनाने डिजाइन करने के लिए। दिस एक्सप्रेशन ओवर है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटिंग विद द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ एमवी स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि मुझे लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस करना है ना, तो मैं यहां से लीनियर वेलोसिटी की एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकता हूं सब्स्टिट्यूशन। तो लेट्स डू वन थिंग,
we can say as gravitational force equals centripetal force. So GMM upon R square equals MV square over R. Mass se mass cancel ho gaya, isme R se R cancel ho gaya. So V square barabar ho gaya aapke paas GM over R. GM over R jo hai, V square ke barabar ho gaya. Ab wahan upar jo V square hai, usme main usse substitute kar deta hu. Mere paas kinetic energy of a satellite आ गया भाई GMM over 2R. ये मेरे पास kinetic energy of a satellite आ गई. तो we had the potential energy of the satellite. We had the kinetic energy of the satellite now. तो ये दोनों सब कुछ satellites की है बेटा, याद रखना. ये kinetic energy का formula एक मूव करते हुए स्टोन पे मत लगा देना जो प्लेनेट की तरफ आ रहा है, उसके लिए हाफ एमवी स्क्वायर ही चलेगा. ये सैटेलाइट के लिए, क्योंकि सैटेलाइट के केस में ही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स की तरह होती है. सही, सैटेलाइट में ही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स के लिए बराबर होती है. एक पत्थर अगर स्टोन जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स कोई सेंट्रिपेटल सेंट्रिपेटल के लिए नहीं है. ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ सैटेलाइट्स पे रिजर्वड है या ऑर्बिटिंग बॉडीज के ऊपर रिजर्व है, कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट कर रहा है अगले ऑब्जेक्ट को तो उस पर लगा सकते हो ये. और इसमें भी देखो आर के हिसाब से वेरिएशन नजर आ रही है काइनेटिक एनर्जी की. अगर एक सैटेलाइट एक सर्टेन ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, आर उसका ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो उस सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी, क्योंकि ना वो स्पीड अप हो रहा होगा ना वो स्लो डाउन हो रहा होगा. अच्छा, फिर तीसरी चीज आपके पास टोटल एनर्जी है. अब देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो आप डिजाइन कर सकते हो आराम से. टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगी ना. यहां कर देता हूं डिजाइन. तो टोटल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. लेट्स से ड्रॉ विद ग्रीन ओवर हियर. इट्स गोना बी GMM ओवर 2R प्लस minus GMM over R. If you add them up, you'll have minus GMM over R as a common doubt. ये बचेगा 1 upon 2, ये बचेगा minus 1. ये मेरे पास हो जाएगा minus 1 over 2. So it'll be minus of GMM over 2R. ये total energy का formula हो गया हमारे पास. तो हमारे पास तीनों फॉर्मूले आ गए, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई और टोटल एनर्जी आ गई. काफी मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, लेकिन जब इनके ग्राफ बनाओगे तो आपको अंदाजा होगा कि जब एक सैटेलाइट प्लैनेट की तरफ आ रही होती है अपना ऑर्बिट चेंज करते हुए किसी वजह से, या एक सैटेलाइट प्लैनेट से दूर जा रही होती है, तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी, कौन सी एनर्जी कम हो रही होगी, इस चीज का आप अभी अंदाजा लगा लो. तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, जिसमें इन तीनों को हम एक साथ ड्रॉ करने का काम. तो लेट अस से वी हैव दिस एज अ वाई एक्सिस जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए. बेटा यू कैन यूज द नॉर्मल एनर्जी फॉर्मूला फॉर सैटेलाइट, मसला उसका नहीं है, लेकिन वी वांट अ फॉर्मूला व्हिच कैन हेल्प अस डिटरमिन द एनर्जी बेस्ड ऑन द डिफरेंस और बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द प्लैनेट. ना अगर मुझे डायरेक्टली ही मिल जाए कि अच्छा भाई सैटेलाइट मेरी यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ से उसका जो है वो डिस्टेंस कितना है, बस मुझे अगर ये पता हो तो मैं ये पता लगा सकूँ ना कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है. तब आ तो वैसे भी जाएगा, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट हासिल कर सकते हो उस आंसर को. तो ये एनर्जी इन जूल्स हुआ है. एंड दिस इज द सेपरेशन. So if we have a satellite anywhere in the orbit, okay, so there will be a change in the gravitational potential, the kinetic. So pehle main gravitational potential ka graph bana deta hu. I know it's negative,
see gravitational potential energy is negative over here. So it's kind of like ke, agar aap main yahan pe wo planet wagara bhi draw kar dun apna, so for example this is the earth and the center of the earth, and we have our satellite over here. Somewhere doesn't look like a satellite, more like a toffee to me, lekin khair apna kya ja raha hai abhi. So we have this satellite moving in a circular orbit, we have a separation. Or no? So the satellite will definitely have some variations of kinetic potential in total. So potential energy, तो आपको पता है भाई negative होती है. See, potential energy अगर आपके पास negative है यहाँ पे, तो I'm gonna draw a negative sign over here. ये मैंने एक इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ बना दिया पोटेंशियल एनर्जी का, कि जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे यू पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जा रही है मेरे पास. और ये ऑब्वियस है आपके ग्राफ से नजर भी आ रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप है ये, नेगेटिव में है तो इसलिए मैंने नेगेटिव में बना दिया. अच्छा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का बनाऊँ तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पॉजिटिव है, इक्वेशन उसकी पॉजिटिव है, लेकिन अपॉन में टू आर है. अपॉन में टू आर होने का मतलब ये होता है कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी उसकी आधी होगी, एक तरह से अगर समझो. किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 100 है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 100 नहीं होगी, वो 50 होगी. तो जो ग्राफ बनेगा ना इसका, वो बनेगा तो शेप में ऐसा ही, लेकिन वैल्यूज में वो छोटा होगा, वैल्यूज में छोटा होगा. और इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास टोटल एनर्जी है उसका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही है. जो टोटल एनर्जी का ग्राफ है बिल्कुल ऐसा ही है. डीडी कर दे बंदा, खुद ही बना ले, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है. ये ऐसा ग्राफ बनेगा टोटल एनर्जी का. See, the green graph is of total energy, the red graph is of potential energy, and the blue graph is of kinetic energy. ये मैंने की बना दी. तो नंबर्स पे आप चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो. किस तरह से आपके पास जो वैल्यूज है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. तो मैं एक जनरल सा मतलब एक कुछ वो बता देता हूँ कि सिर्फ समझाने के लिए, कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास -100 है
सही है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके पास पॉजिटिव 50 होगी, और जो टोटल एनर्जी होगी वो भी आपके पास पॉजिटिव 50 होगी, वो नेगेटिव 50। इस तरह का डिफरेंस चल रहा होगा बेटा। टोटल एनर्जी का ग्राफ देखो माइनस के साथ अपॉन टू में लिखा हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी के जैसा शेप है लेकिन ग्राफ नेगेटिव है, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। टोटल एनर्जी का ग्राफ माइनस के साइन के साथ है और काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव साइन के साथ था, तो फर्क इनके सिर्फ साइन में आ रहा है, इस वजह से एक ग्राफ ऊपर बना है एक्सिस के, एक ग्राफ नीचे बना है एक्सिस के, लेकिन जो ट्रेंड है वो बिल्कुल वैसा ही है काइनेटिक एनर्जी वाला, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का। और अगर आप अज्यूम करें कि आपका सैटेलाइट जो है वो किसी वजह से सही है, वो अगर इधर आ जाता है ऑर्बिट कम होने की वजह से, किसी कोई एक रैंडम रीजन हुआ भाई के सैटेलाइट से कोई प्रॉब्लम हो गई, सैटेलाइट इधर आ गया या सैटेलाइट दूर चला गया, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है ना, वो इस पे एग्जामिनर इसमें पूछ सकता है। अगर सैटेलाइट आपके पास इस तरफ आ गया तो आप खुद जजमेंट कर सकते हो बेटा, यहाँ पे अगर एक लाइन खींच लो तो आपको पता चल जाएगा व्हाट्स हैपनिंग टू काइनेटिक, व्हाट्स हैपनिंग टू पोटेंशियल, व्हाट्स हैपनिंग टू टोटल। आप देख सकते हो कि आपके पास जैसे ही आप मिसाल के तौर पर फ्रॉम लोकेशन एक्स टू लोकेशन वाई आप मूव करते हुए आ गए किसी वजह से, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई क्योंकि आप प्लैनेट की तरफ आए हो, सही है। काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो गई, सही, क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल इज कन्वर्टेड टू द गेन ऑफ काइनेटिक। लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रही, टोटल एनर्जी कम हो गई आपके पास। टोटल एनर्जी कम इसलिए हो गई क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप और काइनेटिक का गेन में फर्क है। आप देखो पोटेंशियल और काइनेटिक की इक्वेशन में हाफ का डिफरेंस आ रहा था, तो जितना चेंज, जितना लॉस पोटेंशियल में आया, काइनेटिक एनर्जी से उसकी हाफ गेन हो पाई है। तो आपके पास जो ओवरऑल चेंज हुआ वो कांस्टेंट नहीं रहा। अगर 100 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई तो काइनेटिक एनर्जी से 50 जूल्स गेन हुई है, स्पीड बढ़ी है, सिर्फ 50 जूल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, बाकी रिमेनिंग 50 जूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई, वो हीट की फॉर्म में जाया हो गई, इसलिए टोटल एनर्जी आपको सेम नहीं मिल सकी, टोटल एनर्जी कम हो गया। तो आपके पास पोटेंशियल काइनेटिक और टोटल की वेरिएशन यहाँ पे ग्राफ से नजर आ रही है, और यही चीज आप इक्वेशन से देख के समझ सकते, अगर पोटेंशियल लॉस होगा तो काइनेटिक गेन होगी, लेकिन क्योंकि दोनों की इक्वेशन में हाफ का फर्क है तो लॉस ऑफ पोटेंशियल विल नॉट बी इक्वल टू द गेन ऑफ काइनेटिक फॉर अ सैटेलाइट, फॉर एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इट विल नेवर बी इक्वल टू लाइक इक्वल टू वन अनदर, the loss in potential and the gain of kinetic, right? क्योंकि orbit से हटने की कोई ना कोई वजह रहती है, कोई loss of energy वगैरह की वजह से आपकी satellite orbit से बाहर आती है, otherwise नहीं आती, friction हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोई मसला आता है उसके साथ, तभी आपको orbit जो है ना वो छोड़ती है, otherwise वो अपने orbit के अंदर घूमती रहती है satellite। और इसी तरह से अगर satellite और दूर चली जाए किसी वजह से तो potential और बढ़ जाएगा, kinetic कम हो जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी में इजाफा होगा क्योंकि पोटेंशियल का इंक्रीमेंट ज्यादा है, काइनेटिक का ड्रॉप कम है। काइनेटिक में जो चेंज आ रहा है वो पोटेंशियल के मुकाबले में आधा है। तो हम यहां पे इस बात को लिख सकते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई कि भाई एज द सैटेलाइट मूव्स क्लोजर टू प्लैनेट potential energy decreases as separation of the planet to the satellite decreases. Kinetic energy increases as loss of potential energy
is converted to kinetic energy but not all of it. Total energy decreases because the loss in potential is more. But gain of kinetic energy is less. See, but the gain of kinetic energy is less. Energy is lost as heat. और ये फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इन दोनों में सारी सिमिलैरिटी है सिवाय इस टू के। ये जो टू है ना, ये टू आपका इस चीज की पहचान करवाता है कि भाई हाफ का रिलेशन चल रहा है। बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द गेन इन काइनेटिक एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट ओनली। कंफ्यूजन मेरे बच्चे इस चीज के अंदर आप लोगों को, क्योंकि बेटा वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, आपके पास काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में तीन चेंज आ रहा है। इट्स नॉट फुली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुई है ना उसके, तो काइनेटिक एनर्जी का कंटेंट इंक्रीज हुआ है पोटेंशियल के ड्रॉप होने से, लेकिन कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी में आपकी कन्वर्जन नहीं रही, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं बढ़ सकती। Any other question by anyone? किसी को कोई confusion बेटा जो पूछना है उसमें? चलो एक last चीज मैं करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम इस chapter को end कर देंगे। That is the idea of escape velocity. जो ऑर्बिटल से मुझे पहले करवाना था, लेकिन मुझे अभी याद आया कि ये बाकी रह गया। इट्स एक्चुअली प्रीटी इजी आइडिया ऑफ स्केप वेलोसिटी। इट्स एक्चुअली द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज नीडेड फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू स्केप फ्रॉम द पुल ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए, बिल्कुल इंफिनिटी में पहुंच जाने के लिए, उसकी जो मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप स्केप वेलोसिटी को। इससे ज्यादा अगर आपने या इस स्पीड से अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है तो वो वापस जमीन पर नहीं गिरेगा। इट विल नेवर ड्रॉप बैक टू इट्स ओरिजिनल स्पीड।
तो हम कहते हैं कि भाई द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू स्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट and reach infinity. तो भाई यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने अभी तक जितनी कुछ चीजें देखी है उसके लिहाज से बोल सकते हो कि if I have this planet over here with me and let's say this point is infinity. See, this point is infinity. And I want my satellite or my, not my satellite, but actually whatever I have to move from all the way from this point. कि मैं उसको एक ऐसी स्पीड से फेंकूं कि वो यहाँ पे पहुंच जाए, इधर आ जाए, वो यहाँ तक आ जाए, इन्फिनिटी तक आ जाए. सही ना? तो इफ आई वॉन्ट दिस टू हैपन, इफ आई वॉन्ट दिस टू हैपन, तो मैं मिनिमम स्पीड निकालने के लिए मैं अज्यूम करूंगा कि बस वो जब यहां पहुंचे तो उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. इतनी स्पीड तो दूं कि इन्फिनिटी में पहुंचा बस. तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सीधा सा है कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आएगा वो काइनेटिक के लॉस के बराबर होना चाहिए. अगर आप फेंक रहे हैं किसी चीज को तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एज योर ऑब्जेक्ट अप्रोचेस इन्फिनिटी. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में आप हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाएंगे, और क्योंकि लॉस है तो माइनस साइन आएगा बाहर. और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में डेल्टा फाई इनटू एम लगाया जाएगा, और क्योंकि गेन है तो पोटेंशियल का पॉजिटिव आएगा आपके पास यहाँ पे. अब मास से मास तो कैंसिल हो गया, ये जो मास आपका स्टोन का था ये तो गया, मतलब इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट कि आप किसे फेंक रहे. फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी, इनिशियल मुझे चाहिए. चेंज इन फाइ में मैं फाइनल पोटेंशियल, सही है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल जब करूंगा तो ये मेरे पास फाइनल पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पहुंचा है ना, तो इन्फिनिटी पे फाइनल पोटेंशियल मेरे पास जीरो होगा. Potential is zero at infinity. It's actually location number two. This is location number one. तो यहाँ पे phi zero है, और यहाँ का phi आप g m upon capital R minus sin के साथ यह निकाल सकते हो, जिसमें R जो है वो आपके planet का अपना radius है, ये center of the planet से आपका object यहाँ मौजूद है. तो मैं यहां पे ये माइनस साइन बाहर और फाई के फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस जीएम अपॉन आर. ठीक है, ये जीरो हो गया था, ये माइनस इधर आ गया, और ये मैंने फाई की एक्सप्रेशन लिख दिया. तो मेरे पास ये फॉर्मूला हो गया, u स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स जी एम अपॉन आर, u इक्वल्स टू टू जी एम ओवर आर का अंडर रूट. ये हमारा फॉर्मूला स्केप वेलोसिटी का, टू जी एम ओवर आर. आपके प्लेनेट का मास कितना है और आपके प्लेनेट का रेडियस कितना है, उससे हम डिसाइड कर सकते हो कि आपको मिनिमम उसे कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा कि वो पलट के वापस ना लौटे, कभी जाए तो इन्फिनिटी में मिले आपसे. तो दैट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी. अर्थ के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो
क्योंकि अर्थ का मास आपको पता है 6 × 10^24 और अर्थ का रेडियस आपको पता है 6.4 × 10^6। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ 2 × 6.67 × 10^-11 जो g की वैल्यू है × 6.0 × 10^24 मास आ गया डिवाइडेड बाय r 6.4 × 10^6। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 × 6.67 × 10^-11 × 6.0 × 10^24 / 6.4 × 10^6 around 1.12 × 10^4 m/s. Everything is thrown from the surface of the earth with speed greater than this. Ideal conditions mein, it would never return back to its original position. वापस नहीं गिरेगी अर्थ के ऊपर, चली जाएगी। This is the minimum velocity with which you can throw your object to make sure it does not return. कोई मसला मेरे बच्चों यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? ठीक है भाई, मेरा ख्याल से किसी को कोई सवाल नहीं है। तो आज का लेसन मेरे बच्चों हम लोग यहीं तक रखेंगे।